आटा हमें मिल रहा है, कुछ रजाइयाँ हमें मिली है, NGOs की तरफ से मुझे मशीन मिली है। चार साल भी किया है, उसने हमें हेमत दिया है और बर्तन दिए और फर्दे दिए और सामान दिए, बहुत कुछ दिए NGO और भी। हुकूमत नहीं, हुकूमत नहीं। इधर से बिस्तर वगैरह मिले हैं, चारपाइयाँ जी हमें मिली हैं, ये बिस्तर पड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत राशन मिल जाता है, राशन भी ये पड़ा हुआ है। NGO की हम काफ़ी हद तक मशहूर है, इसलिए कि जितना NGO ने किया है तो इतना फिर वो सियासी पार्टियों ने नहीं किया। ये सबसे बढ़कर ये शिरकत गांव वालों ने भी हमारे साथ बहुत हेल्प किया। और कौन सी NGOs हैं? NGO CRDO आए, NRSP आया हुआ है, ये जो SRSP भी था, ये वर्ल्ड फूड वाले भी थे। सैलाब में गिरा हुआ है ये घर, हुकूमत की तरफ से हमको कुछ नहीं मिला है, ये हम अपने पैसों से बनाते हैं ये घर, एक दूसरे से पैसे लेते हैं कर्ज, और जेवर हमने बेचे है थोड़ा बहुत, NGOs वाला कर रहे हैं ना, आटा भी दे रहे हैं, सालन भी दे रहे हैं, रोटी भी दे रहे हैं। ट्रेडिशनली तो उनका ये कंसेप्ट था कि ये चूंकि ये मजहब से पैरने वाले लोग हैं, इस तरह कोई लालच दे के हमारा मजहब चेंज करेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इन्होंने इतनी बड़ी मदद की है और ऐसी ऐसी चीज़ें दी है कि मैं खुद जब कोई ऐसा पैकेज लेता जिसमें ऐसी चीज़ें देख के मुझे बड़ी रोना आया कि इन लोगों को कितना एहसास है हमारी हर एक ज़रूरत का, तो अब लोग उनको मसीहा मानने लगे हैं कि वाकई अब गवर्नमेंट पर वो इतना बिलीव नहीं करते, वो उस पर ट्रस्ट भी नहीं करते, NGOs पर ज़्यादा ट्रस्ट करते। 20 साल मैंने शादी के हुए लेकिन अभी ये मैं 40 साल में भी पूरा नहीं कर सकता। नहीं जी, मकान कराएगा है, सुनते आ रहे हैं कि हुकूमत पैसे देंगे, लेकिन हुकूमत तो मालिक मकान को देंगे, क्या किराएदार ऐसे ही बर्बाद होंगे, किराएदारों को कुछ नहीं मिलेगा। घर गिरे नहीं है लेकिन दरारे आ गई है उनमें, कीचड़ इतना दे रहा फर्नीचर पे, हर चीज पे कीचड़ है, पता नहीं चल रहा इधर कोई चीज है फिर कीचड़ है। अभी तो हम लोग यही कह रहे हैं कि अगर हमें कोई घर साफ करवा दे हम लोग घर चले जाएंगे। अभी ठंड भी हो गई है तो अभी कैंपों में तो इधर पानी का भी मसला है, फिर वाशरूम भी नहीं है इधर, यहाँ पे कड़वा है पानी, घर के इस्तेमाल के लिए धोते लेकिन पीने का पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। उसका हल यही कि फिल्टर लगाए जाए, मतलब एक माले में 10 घरों में अगर एक में भी लगाया जाए तो कुछ मसला तो हल होगा ना। हमने चरसदा में कोई 600 लोगों को मेडिकल असिस्टेंस दी है, 300 लोगों को हमने मेडिकल असिस्टेंस स्वात में दी है, कोई 286 फैमिलीज को हमने स्वात में खुराक दी है, और इसके अलावा जो हाइजीन किट्स हैं ख़वातीन की जो मखसूस ज़रूरियात थी उसके हवाले से भी हमने कोई 300-400 औरतों को जो ख़वातीन के लिए मखसूस ज़रूरत के हवाले से हमने हाइजीन किट्स बनाए वो दे दिए। इसके अलावा कोई 300 औरतों को हमने सिले सिलाए कपड़े जो हमने जमा किए थे जिसमें हमारे लाहौर ऑफिस ने भी कंट्रीब्यूट किया था और पिशावर में भी, हमने वही कपड़े अच्छे तरीके से पैक करके और उसके साथ जो प्लास्टिक के स्लीपर्स वगैरह ख़रीद के बच्चियों के बच्चों के और औरतों के वो हमने कोई 400 लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। बता दिया गया था कि आप आपके इलाके में पानी तो सैलाब का नहीं आएगा, तकरीबन हमें 12 बजे के बाद हमें इत्तला मिला कि भाई आप तो आप लोगों का एरिया जो है वो सैलाब अभी आने वाला है उस तरफ है, आप निकल जाए, वो हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये पानी इतना ऊंचा आएगा और इतना तेज़ी से आएगा। तकरीबन हमें वो पानी पहुँच गया तकरीबन 4 बजे बाद, पानी आ गया, हम बच्चों को भगा के ले जाए, हमारा बकरियां माल जैसे रसायन लिया, बस
जहाँ से दिखे वो हम छोड़ा ससुर था जो डूब गया। दूसरा भाई था वो बड़े नार से ऊपर ज्ञान हुआ, वो बोला अभी इसको कट लगा गए हैं, बिल्कुल सीधा आपने घर आता है, कुछ भी सामान हम नहीं निकल सका, एक एक मना बिस्तर के मना दो दो बंदे मना उस बिस्तर के लिए मना वो इतना इतना उठाया, खाने की चीज भी नहीं उठा सका। पहले तो बताया 10 फुट का करने, फिर एक घंटे में वो 70 फुट का हो गया। ऐसे पानी आ रहा था, हमें पता नहीं चल रहा था कि ये पानी है कि ये बादल है कि क्या है, सिर्फ सफेद पानी नजर आ रहा था, कोई चीज नहीं नजर आ रही। हुकूमत अगर डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स जारी करे जो कि बहुत ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान तो एक डिज़ास्टर प्रोन एरिया है और उस डिज़ास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर औरतें भी हों और ये जेंडर सेंसिटाइजेशन भी हो उसके अंदर और ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाएं उन लोगों को जो रिलीफ गिवर्स हैं। वो टोकन दे के गए, हम लोग पूरी रात जागे कि कुछ सामान आएगा खाने पीने का, हम लोग ले लेंगे बच्चों को खिलाएंगे, तो वो पूरी रात खत्म हो गई, कोई नहीं आया। फिर दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा, अभी ये दिन हो गए, किसी ने कुछ नहीं किया। शुरू से यहाँ पर काम किया है, यहाँ पर जो प्रेग्नेंट होती है, पेट से होती है औरतें, उनके लिए काम किया है, लेडीज के लिए काम किया है, जो हो सकता है उन लोगों ने किया है काम। पहले 5-6 एम्बुलेंस से इधर खड़ा ही खड़ा होते थे, अभी नहीं है। जब ये झगड़ा हुआ तो उसके बाद में कुछ नहीं है। उसी के मारे हुए सब कहेंगे ना कि हमें मिले, किसी को यहाँ अच्छा खाना अच्छा पहनने को साफ पानी नहीं मिल रहा। वो मुझे ड्राहे डीडे ड्राहे माही नोरी खनी है इसी में भी बदल मानी नच गए ड्राहे पिट गए। जलूस का जो हस है ना, जलूस का जो हस है उन्हीं में हर किन गाल आया उसे माँ भी गाल आया उन्हीं को मासा दी तो दुश्मनी करी। ना साबुन मिले हमको, ना सरफ मिले, ना खाने का सहूलत, ना दूध का सहूलत। रात को 1 बजे दूध किसी का टाइम नहीं है, बच्चे सो जाते हैं, बच्चों को भी नहीं मिलता है। खाना भी कभी देर से आता है, कभी जल्दी आ जाता है, इसीलिए बहुत झगड़े हुए। इतना बड़ा डिजास्टर है ये कि इसको मैनेज करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए भी और NGOs के लिए। इसी तरह से बहुत सारे वाक़यात ऐसे भी हुए जिसमें लोग ज़ख्मी हो गए, लोग वायलेंट हुए डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, उन्होंने लोगों को मारा। इस तरह से कुछ केसेस ऐसे भी हैं रिपोर्ट हुए हैं कि मर्डर भी हो गया डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो मतलब इतने एग्रेसिव हैं और उसके पीछे वजूहात हैं, उसको हमें जानने की ज़रूरत है। पता नहीं कौन लेके जाता है अम्मा इधर घूमने के लिए, बच्चे बाहर निकलते हैं ना, इधर से ही हमारे बच्चे इधर से चोरी हो जाते हैं। लड़के हैं कुछ लड़कियां, 2 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं। वहाँ पर खेमों में बच्चे सो रहे थे, छोटे, जो बिल्कुल छोटे से थे, पता नहीं 2-3 महीने के थे। वो औरत रो रही थी उस दिन, हम लोग उससे पूछ रही थी, उसका बच्चा भी किसी ने उठा लिया है। तो यहाँ पर हर किस्म के लोग आते जाते रहते, कोई आता है सामान देने के लिए, उनके पीछे और भी इलाकों के लोग आ जाते हैं। यहाँ पर तकरीबन 8-9 बच्चे गुम हो चुके हैं। बच्चे यहाँ पर एक तो 2 बच्चे अभी तक गुम है, 2 बच्चे, 1 बच्चा वापस हुआ था, 1 बच्चे को उठा रहा था उसको पकड़ा। आपका ख्याल है यहाँ पे कोई ग्रुप काम कर रहा है? ग्रुप काम कर रहा है, उनका मकसद यही है कि यहाँ पर जो मुतासरीन आए हैं ये वहाँ यहाँ से वापस चले जाएं। बार में मैंने सुना था यहाँ कैंप था फाटक पे, एक और बदतमीजी की थी स्कूल में भी, इधर बदतमीजी थी। इधर हमने थोड़ा बहुत सुना है वो छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती हो गई। मान यही राशन मान योगी देने खा देने पीते ने चार ये गवा दी है जॉन